फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीजी के अंदर न्यू फाइनेंशियल ईयर चेंज करना सिखाऊंगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है, मगर कुछ भी नहीं है इसमें। कंपनी में जाएंगे, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इसमें सबसे लास्ट में दिया हुआ फाइनेंशियल ईयर चेंज, फाइनेंशियल ईयर क्लिक करेंगे। देखिए इसमें सबसे नीचे है न्यू फाइनेंशियल ईयर, तो इस पर सिर्फ आपने क्लिक करना है। और कैन नॉट रन द ऑपरेशन टिल यू हैव ओपन फॉर्म, काइंडली क्लोज ऑल फॉर्म्स, ओके करेंगे और उसको फिर ओके कर देंगे तो ये इजीली शुरू। देखिए उसके बाद ये स्क्रीन आपको शो करेगी, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2/2022 एंड देन यू स्टार्ट F2 और ये बोलेगा आपको स्टार्ट करना है कैन न्यू फाइनेंशियल ईयर, क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर ओनली, डू नॉट कैरी बैलेंस और कैरी वैट एक्साइज और वो डू नॉट कैरी आइटम बैलेंस। आपने स्टार्ट करना है, क्रिएट सिर्फ स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे तो वो सारा फाइनेंशियल ईयर पीछे से कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है सर, इस तरह से आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और सिंपल सा फंक्शन है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, तब तक मैं आपको बता दूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई इन्फॉर्मेशन आपको हो, बिजी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गए हुए डिटेल्स के अंदर आप कुछ और पूछना चाहें, किसी भी चीज़ के बारे में हमसे पूछना चाहें, बिजी के शॉर्टकट्स और बहुत सिंपल प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगेगा, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें अगर कुछ आपको हमसे पूछना हो। थैंक यू।